नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज की ये वीडियो खासकर राष्ट्रवाद की आड़ में सियासत और सत्ता की दुकान चलाने वालों के लिए, ये वीडियो खासकर राष्ट्रवाद की आड़ में सियासत की चाटुकारिता और सत्ताधारियों की चाटुकारिता करने वालों के लिए। ये इसलिए खास हो जाता है दोस्तों कि जब आप राजनीति की बात करते हैं, सियासतदानों की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है तो ये व्यक्तिगत मसला हो सकता है। एक सत्ताधारी पार्टी के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं, उन सियासतदानों के बारे में कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच जब अपने ही देश के नाम को निशाना बनाया जाने लग जाए तो वो राष्ट्रवाद की छवि, सीमा या दायरे में नहीं आता, उसे फर्जी राष्ट्रवाद कहा जाएगा। यही काम पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा है। यह बात सत्ता पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं है, यह बात उन एंकर्स, एंकरनी या फिर उन तमाम पत्रकारों के लिए नहीं है जो सिर्फ सत्ता पक्ष की बात सामने रखते हैं या जो विपक्ष की तरफ से आवाज बुलंद करते हैं। यह बात उन तमाम लोगों के लिए है कि आपकी अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, आप अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर आप अपने ही देश के नाम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तमाम जो ऐसे ऐसे संगठन है जो हमेशा देश विरोधी रहे हैं उस नाम से उनके नाम को जोड़ा जाने लगेगा तो यह फर्जी राष्ट्रवाद की सूची में आता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि विपक्ष ने हाल ही में नाम रखा, अपना जो मोर्चा बनाया इंडिया, वो कैसे भी करके रखा, कोई भी वजह हो सकती है, उसे आप तमाम अदालतों में चुनौती दे सकते हैं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, यानी विपक्ष की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना की दायरा इतना ज्यादा विस्तृत या विस्तार रूप नहीं ले सकता कि आप अपने ही देश के नाम को बदनाम करने में जुट जाएं। मैं इंडिया के साथ भी हूं, मैं भारत के साथ भी हूं, मैं हिंदुस्तान के साथ भी हूं, यानी मुल्क का नाम अगर ये रखा जाता है तो ये तमाम नामों से हम पहले भी अपने देश को बुलाते रहे, अपने प्यारे वतन को बुलाते रहे, लेकिन ये क्या कि इस देश के अंदर अब दो धाराएं तेज गति से विस्तार रूप ले रही है। जो विपक्ष के साथ खड़े हैं वो कहते हैं हम तो पहले भी इंडिया कहते रहे और अब भी इंडिया कहेंगे। जो सत्ताधारी दल ने अपनी तरीके से इतिहास रचने के नया आयाम तय कर रखा है वो कहते हैं भारत कहिए, तो एक दौर यह भी है कि लोग कहते हैं इसे भारत कहा जाना चाहिए क्योंकि सनातन परंपरा से इसका नाम यही यानी भारत हुआ करता है। मैंने फिर कहा कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये हमारे देश का नाम है, पहले भी इसको बुलाते रहे, हम कहते रहे आई लव माय इंडिया, हम कहते रहे मेरा भारत महान और हिंदुस्तान जिंदाबाद, यानी तीनों ही नामों में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम अपने देश को, अपने वतन को प्यार करते हैं, झलकता है। लेकिन जब इसी देश के मुखिया विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया रख देने के बाद उसे इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया नाम कंपनी के नाम से जोड़ने लग जाए तो पता चलता है कि सियासत और सत्ता कैसे राष्ट्रवाद की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। इसी देश के कुछ चाटुकार पत्रकार या यूं कहे एंकर इंडिया अलायंस को नीचा दिखाने के लिए, विपक्षी मोर्चे को नीचा दिखाने के लिए हमारे देश के नाम को इंडी और चिंदी कहने लग जाए तो पता लगता है कैसे वो घोर फर्जी राष्ट्रवाद में घुस चुके हैं। यही किया जा रहा है दोस्तों। हाल ही में आपको याद होगा कि विपक्षी मोर्चे ने जब अपना इंडिया नाम रखा था तो उस दौरान वो बड़े फूले नहीं समा रहे थे, ये उनका विषय भी हो सकता है क्योंकि पिछले 9.5 बरस से इसी राष्ट्रवाद की आड़ में तो लगातार वोट बटोरने का काम एक पार्टी ने किया, सत्ता तक भी पहुंचे, कई राज्यों में अपनी सरकार भी बना ली, ये तमाम चीजें की गई और ये सियासत का एक हिस्सा है, उनका तरीका है, ये सियासत में लाजमी भी है। यही काम विपक्ष भी कर रहा है, अब कर रहा है जाकर, मैं पहले की नहीं कहूंगा लेकिन अब जाकर वो पूरी तरीके से समझ चुका है कि कैसे इन सियासी दल हैं जो जुड़े हुए एनडीए के साथ या फिर क्यों कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी लीक पर चल के कैसे उसको चित किया जा सकता है। उन्होंने नया फॉर्मूला अजमाया है कि अब राष्ट्रवाद की बात कर करके जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया गया वैसे वो भी कर सकते हैं, ये उनका कहना, उनका तथ्य है विपक्ष की तरफ से, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम रखा। क्या इस नाम से किसी को दिक्कत हो सकती है? लेकिन इस देश के मुखिया को है। सबसे पहले हम अब देश के मुखिया की बात करेंगे, उन्होंने इसे इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा था और यह बात हमने नहीं कही थी, जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ बैठक की जा रही थी उसमें रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं, वही उस मीटिंग से जब बाहर निकले थे तो बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने बताया था कि साहेब, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने विपक्षी मोर्चे इंडिया के नाम की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर दी थी कि इंडिया नाम तो उसमें भी आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, तो बड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए बताया था। लेकिन अब बात है दूसरे की। दरअसल आपको मालूम होगा कि विपक्षी मोर्चे यानी इंडिया ने उन तमाम 14 एंकर्स की एक सूची तैयार की जिसमें जो लगातार गोदी मीडिया के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं फिर आपको बता देता हूं कि मैं किसी गोदी मीडिया के एंकर के खिलाफ यह समर्थन नहीं करता और ना ही मैं विपक्षी पार्टियों के राग अलापने वाले एंकर्स की का समर्थन करता हूं। हम कहते हैं सीधी और सपाट बात लिखिए,
जहां जहां विपक्षी पार्टी सत्ता में है और वहां पर कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी उस पार्टी की है कि उसकी सरकार है। ऐसे देश में अगर कुछ घटता है तो सरकार यानी सत्ता से सीधे तौर पर सवाल किया जाना चाहिए। अगर आप सवाल नहीं करते तो यकीन मानिए आप अलग अलग राज्य में और फिर देश के अंदर यही काम कर रहे हैं तो आप उस राज्य उस सत्ता उस सरकार के चाटुकार बन के रह गए। तो यही बात है। अब क्या किया जा रहा है, विपक्षी मोर्चे ने कहा कि आप सरकार से सवाल नहीं करते और कोई भी वजह होती है तो उस पर विपक्ष से सवाल करते हैं। ये आपने देखा भी होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, बौखलाहट देखने को मिल रही है। तमाम जो 14 एंकर्स का उनमें नाम है, उनमें से एक नाम है सुशांत सिन्हा का। आपने देखा होगा ना, टाइम्स नाउ ना भारत पर आते हैं, अपने ज्ञान की पाठशाला अपने ही हिसाब से लोगों के सामने परोसा जाता है। ये इनका काम हो सकता है, इनके फॉलोअर्स हैं, अच्छे फॉलोअर्स हैं। क्या अगर ये व्यक्तिगत तौर पर जब इनका नाम विपक्षी मोर्चे इंडिया की तरफ से बॉयकॉट की लिस्ट में रखा गया, एंकर्स जी को बॉयकॉट किया गया है उसमें रखा गया, और अगर ये व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, ये तमाम विपक्षी दल जो इंडिया में शामिल है उनको और उनके नेताओं को के खिलाफ कुछ बोलते तो ये सुना और समझा जा सकता था। लेकिन हमारे देश के नाम के साथ खिलवाड़ करने का काम जो इन लोगों ने किया है, आज उसका को एक्सपोज करना है और आपका गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाएगा। सबसे पहले सुशांत सिन्हा जी का आप ट्वीट पढ़िए। इन्होंने कहा, क्योंकि इंडिया में आखिरी ए अलायंस यानी गठबंधन के लिए है, इसलिए आज से बुलाते वक्त ध्यान रखें। गठबंधन का नाम इंडी, गठबंधन के पत्रकार चिंदी, चिंदी मीडिया हैशटैग करके इन्होंने चलाने की कोशिश की। इन्होंने अपने आप को समझा होगा कि देखिए मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। मैं फिर कहता हूं, आप अगर इस देश के किसी भी राजनीतिक शख्सियत चाहे वो कितनी ऊपर बैठा हुआ हो पद पर, अगर उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो यह बर्दाश्त किया जा सकता है। घिनौनी बात मत बोलिए, लेकिन कम से कम कोई आरोप लगाएंगे तो समझा जा सकता है। लेकिन अपने एक देश के नाम के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्षी मोर्चे ने वो नाम रख लिया है, आप आज ये कैसे कह सकते हैं ए हटाने के बाद उसे इंडी और चिंदी बात कर रहे हैं? अपने मुल्क के साथ उसके नाम के साथ खिलवाड़ करने वाले पत्रकार खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं, ये फर्जी राष्ट्रवाद के उदाहरण देते हैं, ये सिर्फ फर्जी राष्ट्रवाद करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि जब ये अमेरिका गए थे ना, इन्हें दौड़ाया गया था सड़क पर, ये भूल जाते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इन्हें बड़ी बड़ी मिर्च लग जाती है जब इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। किसान आंदोलन के दौरान आपको याद होगा ऐसे ही एंकर ऐसे ही पत्रकार थे जो हमारे देश का पेट उनकी भूख मिटाने वाले अन्नदाताओं को उग्रवादी कह रहे थे, अलग अलग नाम से खालिस्तानी कह रहे थे। शर्म आई थी तब इनको? इनको शर्म आती है? चार अक्षर पढ़ लेने के बाद केवल ज्ञान देने के लिए अपनी पाठशालाएं खोलकर बैठे हुए अपने अपने चैनल पर और सत्ता की पूरी चाटुकारिता करते हैं, मैं दावे के साथ कर सकता हूं, कह सकता हूं। आप देखिएगा इनका एक इनकी दिखाइए जो एक सवाल इन्होंने अब तक साहिब से किया। हां, आम काटकर खाते हैं चूस कर, बटुआ रखते हैं आप या नहीं, एनर्जी टॉनिक कौन से लेते हैं, ये बहुत समसामायिक ऐसे सवाल हैं जो सत्ताधारी पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेता उस देश के मुखिया से पूछे गए थे। बेरोजगारी पर नहीं पूछे, ये अपने आप को फिर कहते हैं हम इन्हें गोदी मीडिया क्यों कहा जाता है। लेकिन आप कुछ भी करिए, कम से कम हमारे देश हमारे जो वतन है उसके नाम से मत खेलिए। नमस्कार।